The violent and outdated ideology of Naxalism is on its deathbed as its cadre strength has been shrinking at an unprecedented rate for the past few years. Disillusioned with the violent ideology and a pervasive atmosphere of exploitation in the Naxal camps, the members are now realizing the futility of pursuing a fake ideology-driven war and are thus breaking their past allies with Naxals and surrendering themselves before the security officials. One among them is Prem Lata from Jharkhand's Latehar district, who not only surrendered herself but also exposed how Naxalites forcibly take them away from their homes and impose their ideology on them. लड़की दो तीन बार गया हमको गांव ने गांव ने गया तो हमको मम्मी या पापा के जैसे जैसे आता था वैसे से बोला था कि हमें आपको बेटी के ले जाएंगे जैसे लेंगे बाकी ले जाएंगे ऐसे कह के तब फिर आया चला गया दूसरा बार फिर आया तो कह रहा कि हम ले गएंगे आपको बेटी जैसे आपको बेटी है साथ बाकी एक बेटी के ले जाएंगे ऐसे कह के तो हम कहा हमको मम्मी बोला कि नहीं लेने देंगे हम ये छोटा सुन से पूछे हैं बाकी आप नहीं लेके देंगे ऐसे कह के तो जबरदस्ती उठा के ले गया कौन ले गया सीमा है सीमा कौन है सीमा पार्टी में क्या थी वो पार्टी ने उड़ान छोड़ी है ले गया तो फिर आधा घंटे के बाद हमको मम्मी और पापा खोजने आए दोनों तो हमको मम्मी पापा का कह दिया कि आपको बेटी कहूँ गया होगा तो हम लोग से पूछना आता है ऐसे कह के फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ संगठन में तुम्हारा क्या स्थान था तुम क्या काम करती थी संगठन ने अभी आती खाना ने पक आती कहता कि जाओ गांव ने कह देता खाना ने कहने के लिए तो हम कहा हम नहीं जाएंगे खाना ने शाम को छुट्टी दे दीजिए हम घर जाएंगे नहीं आपको नहीं देंगे जैसे होगा बाकी नहीं देंगे छुट्टी तुम्हारे जैसी और कितनी लड़कियां वहां पर जो संगठन में नहीं रहना चाहती है और जबरदस्ती उसको रखे हुए लोग दो तीन ठो है जबरदस्ती वो लोग की जबरदस्ती रखा पार्टी वाला क्यों नहीं उनको जाने उनको दे रहा अब क्यों नहीं जाने दे रहा है हमको मालूम नहीं बाकी जाने नहीं देता है घर पर Taking the tribal children from their homes and indoctrinating their minds with anti-development and anti-establishment venom has been the decades-long agenda of Naxals. But with the passage of time, these children are getting aware of the two-faced policies of the Naxals and are returning to the mainstream to lead a life with dignity.